नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार एजुकेशन में। तो दोस्तों, एक ही मिशन आप सभी के लिए, ICAR वेरी इंपॉर्टेंट कृषि अनुसंधान के अंदर जो वैकेंसियां रखी हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान के अंदर जो वैकेंसियां रखी है उनकी हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। सिलेक्शन देने वाले प्रश्न हैं, 25 क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। इसका PDF फाइल अगर आपको चाहिए, सिलेक्शन देने वाले जी के। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा 10 फुल पेपर सेट, फुल टेस्ट मात्र 99 रुपये में। साथ में PDF फाइल हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो स्क्रीन के ऊपर 9461041363 पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पेमेंट फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जैसे भी आप इसी नंबर पे करके हमारे साथ ओनली फॉर 99 रुपये करके आप ज्वाइन कर सकते हो। 10 पेपर सेट है। परीक्षा में से 100% सवाल वहीं से आएंगे। परीक्षा से पहले प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है, माइनस मार्किंग भी है इसी के साथ। और PDF फाइल के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 2 महीनों में सिलेक्शन लेना है तो हमारे साथ में जुड़ जाइए। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जॉन मार्शल। व्यक्ति था, इकोनॉमिक से संबंधित सवाल पूछा गया है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए 2 नंबर, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक। दोस्तों, कल भी हमने पढ़ा था कि अगर भारत के अंदर जो भी मुद्रा का लेन देन होता है वो करता दोस्तों RBI, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा गया है बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, RBI। तो दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर है। तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। भारत की प्रतिरक्षा सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी दोस्तों, वायुसेना, नौसेना, थल सेना, इन तीनों का कमांड होता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कलम टाइगर, देखिए कलमंग टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। तो चलिए प्रश्न का राइट है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। बिहार की राजधानी पटना। और दोस्तों, कोहिमा, यस। और दोस्तों, मेघालय, और इन दोनों की रुचि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। राजधानी क्या है? संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों, संसार का सबसे छोटा मैं देश की बात करूं तो नोरू। क्या है? नोरू। 5 नंबर प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नोरू दोस्तों, नोरू से छोटा कौन है? वेटिकन सिटी अगर आपसे पूछे तो पहला, और ये आपको दूसरा, दोनों आपको ध्यान रखना। वेटिकन सिटी एक देश है सबसे छोटा, और नोरू भी एक प्रकार का देश है। ये आपको जो 2nd नंबर पे आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, वेटिकन सिटी, यस। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व है? यानी पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का जिम्मा कौन लेता है? वो लेता है सुरक्षा परिषद। कौन लेता है दोस्तों? सुरक्षा परिषद, यानी संयुक्त, UNO। नाम सुना होगा दोस्तों UNO के बारे में। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। मुस्लिम लीग, 7 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वर्ष 1907 में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कौन सा? तो सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। 1900
1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन हुआ था और लखनऊ अधिवेशन में वापिस शामिल हो गए। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सूरत अधिवेशन। क्या है, सूरत अधिवेशन के अंदर। आर्य समाज के संस्थापक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्य समाज, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ, दोस्तों ये मैंने सवाल आपको बताया है, अगर आपने पहला टेस्ट नहीं दिया है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर प्रश्न। और 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर महात्मा गांधी। क्या है, महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर है। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर के साथ में। संविधान सभा की अस्थायी सभापति, क्या पूछा, अस्थायी सभापति कौन थे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है 11 नंबर प्रश्न का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति, प्रारूप समिति 12 नंबर प्रश्न, बी आर अम्बेडकर कौन थे, बी आर अम्बेडकर। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव किस विधि के द्वारा किया जाता है। चलिए बताइए, 13 नंबर प्रश्न और 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये ऐसी प्रणाली है दोस्तों, गोपनीय प्रणाली। कैसी प्रणाली है, गोपनीय प्रणाली है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 नंबर प्रश्न। क्या है, 14 नंबर प्रश्न, अमर्त्य सेन को किसके क्षेत्र में दिया गया है, तो अमर्त्य सेन को अर्धशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया, किसके क्षेत्र में, अर्धशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। चलिए नेक्स्ट, सिख गुरु तेज बहादुर की मृत्यु, तो दोस्तों ये ई की मात्रा ई और यहाँ पर ई की मात्रा औरंगजेब, तो देखिए ये और ये दोनों मिला लेना तो प्रश्न आप कभी गलत नहीं करें, तेज और ओज, तो दोस्तों ये लाइन आपको ध्यान में रखना है, दोनों की सेम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, औरंगजेब। क्या हो जाएगा, औरंगजेब आपका राइट आंसर है। चलिए, सभी वृद्ध जवार के सबसे ऊंचा जवार किस समय आता है, दोस्तों ये समुद्र की बात करें, समुद्रों की लहरों की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर प्रश्न है, यस, विश्वत जो रेखा होती है, विश्वतीय रेखा में पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तेज ज्वार आते हैं। नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता है, रट लेना दोस्तों, रटना है, क्या है, रट लो, बिल्कुल रट लो, यस, 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, यस राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओरिसिस के नाम से जाना जाता है। चलिए, भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति, दोस्तों भारत और पाक, यानी देखिए इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन पूछा गया है किसके तहत हुआ था, दोस्तों 1947 के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना, 1947 के अंदर विभाजन हुआ था माउंट बैटन योजना के तहत। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अशोक के किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया था, यस, दिल्ली, 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेरठ और टोपरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है इंडो आर्क के संबंध में कौन सा कथन सही है, 20 क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की जलीय वेधशाला है, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी एक मैत्री नाम सुना होगा दोस्तों, मैत्री भी है, ये उत्तरी अंटार्कटिका के अंदर है, मैत्री, क्या पूछे, मैत्री से संबंधित पूछे दो। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय जाता है, यानी दोस्तों दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर है इब्राहिम लिंकन। क्या है, इब्राहिम लिंकन आपका राइट आंसर है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन, कौन है, सुकुमार सेन। चलिए देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपने सुना होगा लोकसभा और राज्यसभा, और ये दोनों मिलकर मिलती है संसद
और इसके साथ में होता है राष्ट्रपति। इन तीनों का मिलन होता है संसद का करना, लेकिन लोकसभा के अंदर करते हैं दो, राज्यसभा के अंदर करते हैं दो, संसद की बात करें तो कुल करते हैं 14। लेकिन इसमें पूछा क्या है, केवल राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुल कितने हैं दोस्तों, 12। कुल कितने हैं, 12 सदस्यीय अगर संसद पूछ दे तो कितना करते, 14। एक रुपए के नोट के ऊपर हस्ताक्षर कौन करता है दोस्तों, यह सचिव वित्त मंत्रालय, क्या है सचिव, और बाकी सभी के ऊपर आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है, लेकिन मात्र केवल एक रुपए के ऊपर किसका होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। चले देखिए, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई दुर्गापुरा इस्पात कारखाने की, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना, इनका जो उद्देश्य पूछे ना, उद्देश्य ही प्रमुख किसका था, उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा देना और इनका संयंत्र का स्थापना पंचवर्षीय योजना 2 के तहत हुई है। और दोस्तों मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू के अंदर 99 रुपीज में 10 पेपर सेट, कितने दोस्तों पेपर सेट है, 1 जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों 99 रुपये 9461041363 पे आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर हम पेपर शुरू कर रहे हैं, शॉर्ट पेपर सेट भी करेंगे, लॉन्ग पेपर सेट करेंगे। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है इस नंबर पे जाइए, पेमेंट फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम भी कर सकते हैं और या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।